मैं आपको आज सीधे मुद्दे की एक बात बताऊंगी। जो भी स्किन का ट्रीटमेंट करने वाले हो ध्यान से सुनना भाई लोग। मैं कल बड़ी खुशी खुशी डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि मेरा लाइट मेलाज्मा है। बहुत लाइट था मेरा मेलाज्मा। मेरे मेलाज्मा को आई थिंक 10 ईयर्स हो गया है। तो मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो मैंने सोचा चलो आज इस बार ट्रीटमेंट करा लेते हैं। थोड़ा गंदा दिखता है पैच वगैरह, तो मैं सोचा कि जाऊँगी जाकर अच्छे से। डॉक्टर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने बोला, पहले तो उन्होंने मेरा स्किन टेस्ट किया। उन्होंने मैंने बोला उन्होंने मैंने ही बताया पहले कि मेरी स्किन सेंसिटिव है। तो उन्होंने बोला मुझे दिख रहा है, तो ये देखिए यहाँ से उन्होंने ब्लड निकाला और यहाँ से ब्लड निकाला। भाई साहब, तीन छोटी जो क्या मैं तो बॉटल ही बोलूँगी, इतनी बॉटल पूरी भर के ब्लड। मेरे तो शरीर में इतना ब्लड भी नहीं है, अभी तक इतना पेन हो रहा है मुझे। जाहिर सी बात है, ब्लड निकालेंगे थोड़ा बहुत तो पेन होता ही है गाइस। बाद में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको लेज़र कराना ही पड़ेगा क्योंकि आपका डीप मेलाज्मा है, लेकिन लाइट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं सच बताऊँ तो राजी नहीं थी। मेरा हस्बैंड जिद किया कि चलो तुम करा लो, बहुत दिन भी हो गया है तुम्हें, आज स्किन थोड़ा ठीक हो जाएगा बोल के। भैया लेज़र प्रणाम, इतने हिस्से में क्या ट्यूब लगाया मालूम नहीं है, आधा घंटा के लिए लगाया और मेरा पूरा इतना हिस्सा सुन पड़ गया। मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन जब उसने मुझे लेज़र थेरेपी दी ना तो सब पता चल रहा था। भाई ये पूरी स्किन बर्न होती है, ये बर्न करने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। क्या यार, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब ये करा लिया ना मैंने, अब मुझे 4 और कराना है। मतलब ये CO2 हुआ है, उसके बाद 4 मुझे पिल ऑफ कराना ही पड़ेगा। मेरे को ना कराने का बिल्कुल मन नहीं, सच बताऊँ तो, लेकिन क्या करो, अभी फंस गई तो कराना ही पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपका अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप ना मेडिसिन के थ्रू, मतलब कि मैंने डॉक्टर्स को बोला था, उन्होंने बोला आपका ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे कि आपको किस चीज़ की कमी है स्किन में, जिसके थ्रू हम आपको सप्लीमेंट्स देंगे तो आपका मतलब ट्रीटमेंट अच्छे से होगा। तो भैया सप्लीमेंट्स ही दे देते, ये तो मेरे गाल ही बर्बाद कर दी। ऐसा लग रहा है मुझे, पूरी स्वेलिंग आ गई है देखिए फेस पर। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो लेज़र तो कराते ही कराते हैं, वो अपना एक लेज़र का एक अलग ही सिस्टम बना लेते हैं। वो चाहें तो ना सप्लीमेंट्स और ट्यूब से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अभी ना मेरे को तो ऑफिस जाने में भी शर्म लग रही है, क्या बताऊँ, पूरा दिन मास्क ही लगाना पड़ेगा। लेकिन वो बोल रहे हैं मैडम आप ऐसा, मैंने बोला सर मेरे को लेज़र नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला आप ऐसा मत कहो मैडम, हम आपका मेलाज्मा पूरा गायब कर देंगे। 15% आपको हेल्प करनी पड़ेगी और 15% हम हेल्प करेंगे। मतलब कि मेलाज्मा जाने के लिए भी जब वो ट्रीटमेंट कर देंगे तो हमें उनके प्रिकॉशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता भी है ना, बहुत ज़्यादा अगर आपका पिगमेंटेशन है मेलाज्मा है तो ही आप लेज़र कराना। मेरा तो लाइट में इतना हो गया है, लेकिन बोल रहा है अभी कि अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप धीरे धीरे ट्रीटमेंट करते जाएंगे तो आपकी स्किन और भी अच्छी होती जाएगी और आपका मेलाज्मा भी गायब हो जाएगा। तो मैं बताऊंगी भी आपको कि उन्होंने मुझे क्या क्या प्रिकॉशन दिया करने के लिए बोला है प्रिकॉशंस, और मुझे उन्होंने क्या क्या मेडिसिन दी है वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट डे है मेलाज्मा का। धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊँगी मेरा मेलाज्मा कैसा हुआ है और मेरा मेलाज्मा में कितना फ़र्क पड़ा है लेज़र ट्रीटमेंट से। तो देखिए गाइज़, अभी तो फ़िलहाल ऐसे है पूरा बर्न हो चुका है, मैंने इसमें भी मेडिसिन लगाई है क्योंकि मुझे कल बहुत जल रहा था। तो आप कभी भी ट्रीटमेंट कराएं ना, तो ये जो वीडियोस वगैरह दिखाते हैं ना यूट्यूब में या किसी में भी, आप आपका दिमाग से ना सबसे पहले डॉक्टर से के पास जाके उनसे मिले, वो आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपका स्किन का ट्रीटमेंट होगा और काफ़ी अच्छा होगा। मेरा कहने का सेंस यही था। और अगर आपको लेज़र के लिए वो बोलते हैं तो करना, लेकिन भाई बहुत पेन होता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।